हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रीज एक्सप्लोरर। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके लिए अभी हम बहुत ज़्यादा वरीड है, क्योंकि हम बेसिकली ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ये बहुत देख रहे हैं वो चीज़ को। तो वो क्या है? अभी हम कोविड के सिचुएशन से रिकवर कर ही रहे हैं, तब तक आ गया है मंकी पॉक्स। तो क्या है ये मंकी पॉक्स, कैसे होता है ये मंकी पॉक्स और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखें और मेरे साथ बने रहे। तो मैं आपको वन बाय वन सब इलैबोरेट करते जाऊंगी कि मंकी पॉक्स के बारे में मैंने क्या जाना है। अभी फर्स्ट केस जो रिपोर्ट हुआ है वो यूएस में हुआ है, उसके बाद ये स्प्रेड हो गया 75 कंट्रीज में और इसमें 16,000 लोग इफेक्टेड हुए हैं मंकी पॉक्स से, और जिसमें कि 3% डेथ रेट भी है। पर आपको क्या पता है, ये मंकी पॉक्स अभी नहीं आया है, ये बहुत पुराना है। फर्स्ट मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में 1970 को, जो कि एक 9 मंथ ओल्ड बेबी को हुआ था। तब वहाँ पे वो लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया, तब जाके पता चला कि मंकी पॉक्स हुआ है, और उन्होंने फॉरेस्ट के एनिमल्स का भी सैंपल लिए, एनिमल्स में भी मंकी पॉक्स वायरस पाया गया। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मंकीज और रॉडेंट्स हो गए, रैट्स हो गए और अदर एनिमल्स। उसके बाद कंटिन्यूएशन में वहाँ साउथ अफ्रीका में ऐसी मंकी पॉक्स आते रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था 2017 में। 500 सस्पेक्टेड केसेस थे जिसमें से 200 लोगों को मंकी पॉक्स हुआ था और 3% डेथ रेट भी हुए थे। अभी तक इसका एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता है कि मंकी पॉक्स कैसे होता है करके। अब इसके ट्रांसमिशंस कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ट्रांसमिट होता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होगा तब ट्रांसमिट होगा। सपोज़ कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उनके कांटेक्ट में आए और उनका क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, उनको टच कर रहे हो, हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, तो आपको मंकी पॉक्स होने का चांसेस है। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, आप उसके कांटेक्ट में आए हो, तो आपको मंकी पॉक्स होने का चांसेस है। अभी हम ट्रैवल कर रहे थे तब हमने नोटिस किया कि बहुत लोग फॉरेस्ट के एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स को, जैसे कि मंकी हो गया, पीकॉक हो गया, डियर हो गया, उन सबको फीड कर रहे हैं। जब हम वाइल्ड एनिमल को फीड करेंगे तब हम उनके सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, आप मंकी को कुछ दोगे उनके टच के कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उसमें से कोई इन्फेक्टेड एनिमल होगा तो उससे भी आपको स्प्रेड होने के चांसेस है, और ये एनिमल टू एनिमल भी ट्रांसमिट होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है और वो कोई और एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो वैसे भी ये स्प्रेड होने के चांसेस है, फिर आप वो एनिमल को टच करोगे तो वैसे आपको वो स्प्रेड होगा। अभी इंडिया में टोटल 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो फर्स्ट केस है वो केरला में हुआ, जो कि उनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री था, वो यूएई से वापस आ रहे थे, 31 ईयर ओल्ड मैन। सेकंड और थर्ड केस जो था वो भी केरला से था, उनका भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री था, वो यूएई से आ रहे थे, सेम वही एज के, 31 इयर्स के। लेकिन जो सबसे शॉकिंग वाला केस है वो है दिल्ली का केस, जो कि है 31 ईयर ओल्ड और वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किए थे, वो जस्ट हिमाचल प्रदेश से वापस रिटर्न हुए थे दिल्ली में। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया, अभी तक सोच रहे थे कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री की वजह से होता है, लेकिन अब और ज़्यादा पजल्ड हो गए हैं, क्योंकि ये जब दिल्ली का केस आया वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किए थे। सो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि मंकी पॉक्स कैसे होता है, ये अभी भी वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, लेकिन हमको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। WHO ने भी क्लियरली बोल दिया है, अलर्ट कर दिया है कि मंकी पॉक्स को लाइटली ना ले, मंकी पॉक्स डेंजरस हो सकता है, तो हमको अवेयर और अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने नोटिस किया ये 30-40 इयर्स के एज में ही क्यों हो रहा है या बिलो उनको ही क्यों हो रहा है, उसका भी रीज़न है। जब फर्स्ट मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ था 1970 में, तब स्मॉल पॉक्स इराडिकेट हो चुका था और उसके वैक्सीन बंद हो गए थे, उसके बाद आया मंकी पॉक्स। तो इसमें लोगों का कहना है ये बेसिकली बिलो 50 इयर्स को ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा और चिल्ड्रंस को इफेक्ट करेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ना लेने की वजह से मंकी पॉक्स इस एजेस को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स है वो 5 to 21 days के बीच में दिखना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले होता है फीवर, हेडेक होगा, बैक पेन होगा, और जब फीवर होगा तो उसी के साथ रैशेस आने लग जाते हैं। फेस में होता है, बैक ऑफ द पाम में होता है, सोल ऑफ द फीट में होता है, जेनाइटल एरियाज में होता है, ऐसे करके एक 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 जगह में ये रैशेस स्प्रेड होते जाता है। लेकिन अगर ये माइल्ड है तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, विद इन 2 weeks ठीक हो जाता है। और ये जब सीवियर होता है तो चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता है और जिसका इम्यून डेफिशिएंसी है उनको इफेक्ट करता है। तब ब्रोंकोनिमोनिया, एंसेफलाइटिस हो गया, लॉस ऑफ विजन भी होता है और कभी कभी इसमें डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मंकी पॉक्स होने से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आप मैक्सिमम अवॉइड करें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूर रहने के लिए। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब आप कोशिश करें कि आप अच्छे से हैंड वॉश करें और सैनिटाइजर यूज़ करें। और वैसे ये कोई नया चीज़ नहीं है हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश करना, क्योंकि हम कोविड के टाइम से ही हम यूज टू हो गए हैं ये चीज़ के लिए, तो ये हमारा डेली रूटीन हो गया है। तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। आप जब भी मीट खाएं आप उसको अच्छे से कुक करके खाएं, क्योंकि अनकुक्ड फूड से भी मंकी पॉक्स होने के चांसेस है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैक्सिमम वाइल्ड एनिमल्स को फीड ना करें, क्योंकि उनके थ्रू भी आपको होने के चांसेस है। अब इसका ट्रीटमेंट, एग्जैक्टली बोले तो अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। US में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ही मंकी पॉक्स के लिए दिया जा रहा है, जो कि अभी तक 85% इफेक्टिव हुआ है, बट वो भी लिमिटेड है। अभी स्टिल रिसर्च चल रहा है मंकी पॉक्स के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है करके, अभी तक एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। सो प्लीज़ बी अलर्ट एंड अवेयर, इसको लाइटली ना ले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।